नमस्कार दोस्तों, तन्यू चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला नैनीताल के कैंची धाम में आपको लेके जा रहा हूँ। कैंची धाम का नाम तो आपने सुना ही होगा, हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी कैंची धाम आश्रम के बारे में चर्चाएँ होती हैं। सबसे पहले मैं अपने दोनों बहनोइयों के जीजा जी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मंदिर के बारे में बताया और मुझे सबसे पहले यहाँ लेके आए। मेरे जीजा जी धर्म गोस्वामी और मेरे छोटे बहनोई भुवनगिरी गोस्वामी। हम लोग जब अल्मोड़े, मैं एक्चुअली अल्मोड़े का रहने वाला हूँ, लेकिन कभी मुझे इस मंदिर के बारे में इतना मालूमात नहीं थी। तो मैं हमेशा सोचता था कि इस गधेरे में ये मंदिर में कौन आता होगा। मैं सन 75-76 77 की बात बता रहा हूँ, तब तो खाली छोटा सा मंदिर था, तो वैष्णो देवी वाला मंदिर था उस टाइम। तो लेकिन उस दिन हम लोग यहाँ बैठे थे तो जीजा जी लोगों ने बताया कि भाई ये मंदिर बहुत चमत्कारी मंदिर है, तो इस मंदिर के बारे में मुझे धर्म गोस्वामी जी और भुवनगिरी गोस्वामी जी ने मुझे बताया। तो उसके बाद मैं इस मंदिर में रेगुलर आने लगा और जब भी अल्मोड़ा आता जाता था तो दर्शन करके जाता था और इतिहास के बारे में मालूमात करता रहा। और जब मैंने अपना चैनल शुरू किया तो उसके बाद मैं आज आपको नीम करौली बाबा के बारे में, कैंची धाम के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अकबरपुर से शांति की तलाश में बाबा हल्द्वानी से भवाली होते हुए अल्मोड़ा राजमार्ग के इस कैंची धाम नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ का नाम कैंची धाम इसलिए पड़ा कि यहाँ की जो एक कैंची नदी बहती है उसका आकार कुछ कैंची की तरह है। उसके दो ऐसे गए हुए हैं, दो वो लोग कहते हैं कि वो कैंची धाम इसलिए नाम पड़ा कि उस नदी का नाम कैंची धाम, कैंची की तरह वो नदी का, मतलब उसका नदी का जो भाव है कैंची की तरह है, इसलिए इस जगह का नाम कैंची धाम पड़ा। नीम करौली बाबा 1961 में इस स्थान पर पहुंचे थे जहां आज आश्रम बना हुआ है। तो उन्हें ये जगह बहुत सुंदर और शांत लगी। अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ वो यहां घंटों तपस्या में ध्यान लगा के बैठे रहते थे और 15 जून 1964 को इस आश्रम यानी कि इस मंदिर की स्थापना बाबा ने की। ये जगह इतनी शांत और सुंदर है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग महीनों यहां आकर ध्यान में बैठे रहते थे। हॉलीवुड के सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट भी साल में एक बार, एक या दो बार यहां अक्सर आया जाया करती थी। 10 सितंबर 1973 को बाबा ने शरीर त्याग दिया और समाधि लेने के बाद उनकी अस्थियों के कलश को इस स्थान पर रखा गया जहां आज बाबा की मूर्ति लगाई गई है। जब आप मूर्ति नजदीक से जाके देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप में ऐसा लगता है जैसे बाबा आपको सामने से देख रहे हैं, जिंदा बैठे हुए हैं। ऐसी चमत्कारिक मूर्ति उनकी बनी हुई है। 1974 से बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने मिलकर इस मंदिर को भव्य बनाने की शुरुआत की। इस इलाके में बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, इसलिए बाबा हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। इसलिए कुछ लोगों ने यहां कंबल चढ़ाने का चलन भी चालू कर दिया। 15 को जब यहां उत्सव होता है तो बाबा को मालपुआ का भोग लगता है और वह मालपुआ बनाने के लिए मथुरा से बड़े बड़े और बहुत नामी कारीगर लोग, मतलब जो मालपुए बनाते हैं वो लोग, मिठाई बनाने वालों को वहाँ बुलाया जाता है और लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने। और भंडारा, 2 दिन भंडारा चालू रहता है भंडारा खाने के लिए। जहाँ बाबा का मंदिर है वहाँ घुसते ही पहले वैष्णो देवी का, जो लाल छत वाला है, वैष्णो देवी का मंदिर है। फिर उसके बाद दूसरा मंदिर राम जी सीता हनुमान जी और लक्ष्मण जी हैं। तीसरे में हनुमान जी का मंदिर है। फिर बाबा का जो समाधि कह लो या उनका मंदिर है बाबा का, जहाँ उनका बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। फिर उसके ठीक सामने विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। तो ये मंदिर के भी दर्शन होते हैं, जब बाबा के दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो ये सब मंदिर के भी दर्शन करते हैं। और उत्सव के बाद कभी भी जब आप मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको
बॉइल चने का, बॉइल किया हुआ चने का प्रसाद मिलता है। मई 2021 में यहाँ बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। नुकसान मतलब ऊपर से सब पत्थर रेती सब मिट्टी आके मंदिर में घुस गई। मंदिर का कुछ क्षति नहीं हुई मंदिर की, लेकिन दो या तीन दिन में उस मंदिर को उनकी उनकी रोड साफ की गई है। रास्ता पूरा बंद हो गया था, पूरा पानी अंदर घुस गया था, तो ज़्यादा क्षति न होकर लेकिन अंदर मिट्टी गारा सब घुस गया था। नीम करौली बाबा हनुमान जी के बहुत उपासक थे, वो हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे, इसलिए लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे और उनकी कई चमत्कारिक बातें लोग बताते हैं। उनमें से सब तो मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ चमत्कारिक बातें उनकी बताऊंगा। जैसे ये भी एक चमत्कार है कि इतना बड़ा तूफान आने के बाद भी उन्होंने मंदिर को टस से मस नहीं होने दिया। जब इस आश्रम के स्थापना की चर्चा ली तो बाबा के एक अनुयायी ने उनसे कहा कि बाबा यहाँ आश्रम में कौन आएगा, दूर दूर तक कहीं गांव नहीं है, एक खाली सड़क है जहाँ से दिन में दो चार बसें जाती हैं, तो यहाँ कौन आएगा आश्रम में। तो बाबा ने कहा कि दुनिया से लोग आएंगे यहाँ पर, सारी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे। तो बाबा की ये बात तो सच हो गई। ऐसे ही कई चमत्कारित बातें बाबा के बारे में प्रचलित है, जो मैं एक कहानी छोटी सी आपको बताता हूँ। एक बार का किस्सा है कि ऐसे ही कोई पूजा पाठ थी, काफी भक्त लोग आए थे, तो बाबा ने कहा कि उनके लिए हलवा बना दो सीरा। तो बहुत बारिश गिर रही थी, तेल था नहीं, घी था नहीं, तो जो ट्रक या टेम्पो घी लेके आ रहा था, जो गाड़ी में घी आ रही थी, वो रस्ते में फंस गया। तो अनुयायी बाबा के पास आए, बोले बाबा घी तो है नहीं, कैसे बनाए। बोले जाओ ये नदी से पानी भर लो। उन्होंने एक कनस्तर पानी भरा और हलवे में डाला, तो वो घी का काम कर गया। और जब वो दूसरे दिन वापस आया घी, तो बाबा ने कहा जाओ ये घी को अपनी जगह पर छोड़ दो। तो वो उन्होंने नदी में डाला तो पानी बन गया। ये सच्ची घटना लोग बताते हैं। चलिए दोस्तों, आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ अगली बार। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए और साफ सफाई में खासकर ध्यान दीजिए। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।